नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जैन फॉर एडुकेशन। आज मैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9 और 10 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और होप दैट आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वी टेक द हेल्प ऑफ टू रूल्स विच आर जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स। तो एक एक करके जनरल रूल्स और स्पेशल रूल को स्टडी करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द नरेशन, रूल्स में आने से पहले नरेशन को देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच या जो भी स्पीच उसे हम लोग नरेशन भी कहते हैं। एक्चुअली में नरेशन का जनरल फॉर्म यही होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और ये रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अर्थात यदि कोई सेंटेंस इस तरह से हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है नरेशन को डिनोट करता है या नरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स दैट ए नरेशन कंसिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एज वेल एज रिपोर्टेड स्पीच। हाउ टू आइडेंटिफाई इन ए नरेशन विच इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच इज रिपोर्टेड स्पीच। सो इट इज वेरी इजी। The sentence which is outside of the inverted comma is said to be the reporting verb, and the sentence which is enclosed with inverted comma is said to be the reported speech. So it is very easy to identify reporting verb and reported speech. तो हम लोग जब direct speech को indirect speech में बदलेंगे तो हमको ये बिल्कुल प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में कठिनाई होगी और वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच इजिली। आसानी से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल पाएंगे। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपको डिनोट करेगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। यदि हम यहाँ पर इस सेंटेंस पर कंसिडर करें तो ये एक नरेशन है, और यहाँ पर देखें तो ही सेड जो है आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ही सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। आई विल राइट इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड है, तो हम लोग बोलेंगे आई विल राइट जो है रिपोर्टेड स्पीच है। इस तरह से हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह का एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही सेज I will write. It means that he says here reporting verb and I will write here reported speech. यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। He will say I will write. So here he will say is the reporting verb
and I will write is the reported speech. यहाँ हम लोग इसे इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हैं, will write is the verb of the reported speech. Similarly, यहाँ पर हर जगह will write ही है, तो will write is the verb of the reported speech. Here also will write is the verb of the reported speech. यहाँ पर यदि I पर consider करें तो I is the person of the reported speech. यहाँ पर भी अगर देखें तो I is the person of the reported speech and so on. यहाँ थर्ड सेंटेंस में भी देखते हैं तो I is the person of the reported speech. तो अब हम लोग वी आर एबल, हम लोग एकदम बिल्कुल वी हैव नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचान करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा. वी इजिली आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन ए नरेशन और इन ए डायरेक्ट स्पीच. तो ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जहाँ पर होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच या नरेशन सेम है. एक्चुअली में नरेशन है क्या, तो द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है और हम लोग उसी को बिल्कुल लिख देते हैं. तो दिस वन इज नॉन एज द नरेशन. होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नरेशन. इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, देन यू हैव नो प्रॉब्लम टू डिफाइन व्हाट इज द नरेशन. तो नरेशन से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आइदर इन क्लास 9 और इन क्लास 10 में पूछा जाता है. तो ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9 और 10 के विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर ही करने जा रहा हूँ. होप दैट ये पूरा डिस्कस होने के बाद आप नरेशन से जो 5 प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत है तो हम एवरी संडे को यूट्यूब में लाइव क्लास में आते हैं. आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ेंगे और वहाँ पर लाइव कमेंट करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे. तो यहाँ देखिए, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो हमें 2 रूल्स का मदद लेना पड़ता है. When we convert direct speech into indirect speech, then we take the help of 2 rules. First one is known as the general rules. Second one is known as the special rules. जब हम लोग direct speech को indirect speech में बदलते हैं तो inverted comma के बदले, ये देखिए inverted comma के बदले कभी that लगा देते हैं, कभी to लगा देते हैं, कभी इफ या वेदर लगा देते हैं. ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करता है. तो अभी तक हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसके भी बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. और आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर बदलता है, उसको हम लोग चेंज ऑफ टेंस कहते हैं. इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कभी कभी आस्क्ड हो जाता है, कभी सजेस्ट हो जाता है, कभी ब्लेस्ड हो जाता है, कभी प्रे हो जाता है, कभी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाता है, कभी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाता है, कभी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाता है. तो ये एक्चुअली में यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है. एक एक करके जब हम इसका चर्चा करेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आप हमारे साथ इस सब्जेक्ट के डिस्कशन में या क्लास में लास्ट टाइम तक रहे, मैं आपको एश्योर करवाता हूँ कि आपका डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना काफ़ी आसान हो जाएगा. होप दैट you will convert all of the asked question either in class 9 and 10 which is related to the direct speech or narration. तो चलिए आगे चलते हैं. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, will write जो है आपका verb of the reported speech.
यहाँ पर भी देखिए आई जो है आपका पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम लोग जनरल रूल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स सी, ये देखिए आपका जनरल रूल्स है। जनरल रूल्स में हम लोग कंसिडर करेंगे चेंज ऑफ पर्सन पर। किसके पर्सन को चेंज करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करेंगे। किसके आधार पर चेंज करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करेंगे। तो अगर पर्सन के बारे में कंसिडर करें तो हमारे पास तीन ही प्रकार का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हमको प्रॉपर आइडिया है प्रोनाउन का तो हमको पर्सन को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात सबसे पहले हमको पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना होगा, अर्थात पर्सन को हम उसी समय आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमको प्रोनाउन के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पर देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड पर्सन हैज नो चेंज। अर्थात कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में है तो वो फर्स्ट पर्सन में ही रह जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में है तो सारा का सारा फर्स्ट पर्सन आपका थर्ड पर्सन में चला जाएगा। उसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में है तो आपका सारा का सारा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो इसको, इस रूल्स को या चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे ग्रामर में इसको शन फार्मूला भी बोला जाता है। मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के आधार पर, इसलिए एस। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात ओ, और एन, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज। तो इस तरह से शॉन फार्मूला हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जो है क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाता है। ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से इसको बोलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब फिर देख लेते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बार चेंज ऑफ पर्सन पर फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। तब वहां पर केवल पर्सन में चेंज होगा लेकिन उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो और यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या ये सब चीज़ों को यदि एक्सप्रेस करता हो, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका प्रेजेंट हो में हो या फ्यूचर में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन, अगर इस तरह से सेंटेंस या प्रोवर्ब इस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है तो वहाँ पर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके इसके बारे में हम लोग और अभी चर्चा करेंगे। ये देखिए चेंज ऑफ पर्सन ऑलरेडी बोल चुके हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, माने किसका फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट के आधार पर, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप, इस स्टेप पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, किसका सेकेंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेकेंड पर्सन, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन किस तरह से बदल जाएगा, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर हम लोग देख लेते हैं थर्ड पर्सन, देयर इज नो चेंज, माने किसका थर्ड पर्सन, तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट पर्सन इट मीन्स दैट फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, देयर इज नो चेंज ऑफ द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं, चेंज ऑफ टेंस, ऑलरेडी चेंज ऑफ टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर चर्चा करते हैं। देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज, कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज कर दीजिए इनटू क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, किसमें, तो क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, कब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में आप कन्वर्ट कर दीजिए या चेंज कर दीजिए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वन एंड टू विच इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ टेंस। लेट्स सी थर्ड वन, तीसरा आपको कहता है कि देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं बदलना है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, एंड द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, अभी पता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यदि हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। लेकिन फिर देखिए यहाँ अपवाद बोल रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, आपका पास्ट टेंस या किसमें भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करे, प्रोवर्ब को एक्सप्रेस करे, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करो, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, देयर इज नो चेंज। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच क्या डिनोट करे, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करे,
प्रोवर्ब को डिनोट करे या हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और ये सारे चीज को एक्सप्रेस ना करे या डिनोट्स ना करे तो वो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है आपका क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। आशा करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ देख लेते हैं, अगर दिस है तो आप उसको दैट में बदल दीजिए, अगर हेयर है तो देयर में बदल दीजिए, अगर हैंस है तो ओ देंस में चला जाएगा, अगर एगो है तो बिफोर में बदल जाएगा, अगर टू नाइट है तो आपका दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यस्टरडे है तो आपका द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा, अगर दीज है तो आपका दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नाउ है तो देन में, और अगर थस है तो स में, अगर कम है तो गो में, अगर टू डे है तो चला जाएगा दैट डे में, अगर टुमारो है तो चला जाएगा नेक्स्ट डे में। अगर इस तरह का रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है इस तरह का वर्ड तो ये चेंज ऑफ अदर पास्ट ऑफ स्पीच के आधार पर बदल जाएगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। तो जनरल रूल में आपको यही तीन चीज जानना था, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, चेंज ऑफ पर्सन इट मीन्स दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, देयर इज नो चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका चेंज ऑफ टेंस में क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस जो है करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। फिर आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब या हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है या डिनोट कर रहा है तो वहाँ पर भी उसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा या टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में इस तरह का चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर जो दिख रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। यदि हमारे पास सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर आइडिया नहीं है तो फिर स्पेशल रूल में कौन सा क्या क्या चेंजिंग करना है हमको समझ में नहीं आएगा। तो इट मीन्स दैट इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू अप्लाई द स्पेशल रूल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन और चेंजिंग द वर्ड डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हमको बदलने को रहेगा और हमको सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी रहेगा तो हम स्पेशल रूल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलता है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। जिस तरह से पांच प्रकार का सेंटेंस होता है एक एक करके अभी हम चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखिए, इन्वर्टेड कॉमा आपका बदल जाएगा किसमें, तो आपका दैट में बदल जाएगा, इफ या वेदर में बदल जाएगा या टू में बदल जाएगा। कब दैट में बदलेगा, तो बोलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में बदल दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई यस या नो में अगर दे सकते हैं तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमा आपका इफ या
वेदर में बदल जाता है। अगर यदि मान लीजिए आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव बोला जाता है, तो उस केस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदल देंगे, टू में बदल देंगे। उसके बाद आपका बच जाता है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को केवल हटा देंगे और उसके बदले कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कैसे बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट प्रे में बदल जाएगा, सजेस्ट में बदल जाएगा, एडवाइस में बदल जाएगा, विश पे बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल जाएगा। तो देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड, अगर सेट टू है और असर्टिव सेंटेंस है तो आप उसको टोल्ड में बदल दीजिए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको आस्क में बदल देंगे, अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस के नेचर के आधार पर ऑर्डर रिक्वेस्ट और प्रे में बदल देंगे। उसके बाद आपका यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो आपका सजेस्ट एडवाइस विश में आ जाएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो एक्सक्लेम विथ जॉय शोरो सरप्राइज इस तरह से आ जाएगा। जैसे जैसे इसको करेंगे तो और आसान होते जाएगा। एक्सक्लेम विथ जॉय सोरो सरप्राइज एंगर यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में देखिए कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका सेंटेंस के आधार पर इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो वहाँ पर क्या लिखना है, दूसरा कहाँ पर ऑर्डर हो जाता है, कहीं पर रिक्वेस्ट हो जाता है, कहीं पर टोल्ड हो जाता है, कहीं पर आस्क हो जाता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू वो भी आपका सेंटेंस पर ही डिपेंड रहता है। आइए फिर से चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग एबल हो गए एक्सरसाइज को कन्वर्ट करने के लिए, अर्थात मैंने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं, मोहन सेज कह रहा है ये आपका मोहन सेज और यहाँ आई विल गो दिल्ली ऑन मंडे। तो यहाँ ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये आपका पूरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, तो आई विल गो टू दिल्ली या आई विल गो दिल्ली ऑन मंडे, ये आपका असर्टिव सेंटेंस में है। तो असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये है किस में, तो मोहन सेज आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये पास्ट टेंस में रहता तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होता। अब यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ पर्सन में देखते हैं, तो ये क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो आई जो है मोहन के आधार पर चेंज हो जाएगा, मतलब आई जो है थर्ड पर्सन में चला जाएगा, तो आई का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा और बाकी वही हो जाएगा, ही विल गो दिल्ली ऑन मंडे, मोहन सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है वो असर्टिव है और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा देते हैं। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मोहन सेज दैट, देखिए मोहन सेज दैट, ही विल यहाँ पर होगा, ही विल गो टू दिल्ली, यहाँ पर क्वेश्चन में टू होना चाहिए था, ही विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा चीज लगा दी। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, राम सेड टू श्याम विल यू हेल्प मी, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
अब यहाँ पर देख रहे हैं विल यू हेल्प मी, इसका रिप्लाई यस या नो में होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग इफ या वेदर लगा देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर, और आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। अब यहाँ पर देखते हैं राम सेट टू श्याम, ये आपका पास्ट टेंस में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो ये क्रॉस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राम आस्क्ड श्याम, इफ या वेदर दोनों में से जो इच्छा एक लगाइए, तो हो जाएगा यू वुड हेल्प, और आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर, तो सब्जेक्ट के आधार पर, तो मी का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है श्याम, तो हो जाएगा ही वुड हेल्प हिम। देख लीजिए इसका राम आस्क, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो सेट टू किस में चला गया, आस्क में। अब चूंकि इसका आंसर यस या नो में होगा इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लग गया, इफ। और यहाँ पर देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है श्याम है, थर्ड पर्सन है, तो यू का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। अब विल का पास्ट हो जाएगा वुड, और फिर हेल्प लगा दिए, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, तो राम का थर्ड पर्सन या मी का आपका थर्ड पर्सन यहाँ ही हो जाएगा। इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राम आस्क्ड श्याम इफ ही वुड हेल्प हिम। अब अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, आई सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और लेकिन इसका रिप्लाई हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा को केवल हटा देंगे और इसके बदले कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ सेट टू के जगह आस्क्ड कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हो जाएगा आई आस्क द बॉय, अब फिर हो जाएगा व्हाट, और योर आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉय थर्ड पर्सन में तो योर का थर्ड पर्सन हो जाएगा हीज, और फिर आपका नेम हो जाएगा और इज का हो जाएगा वाज। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई आस्क द बॉय व्हाट हिज नेम वाज, होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्जन और दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच को इस इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, द डॉक्टर टोल्ड मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो डॉक्टर एडवाइज कर रहा है, अर्थात ये क्या है आपका एडवाइज सजेस्ट, कहाँ पर आता है ऑर्डर रिक्वेस्ट, कहाँ पर आता है, तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे द डॉक्टर एडवाइज, और आपका मी है तो मी डाल दिए, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे टू देंगे, टू लिख दिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए कुछ और एक्सरसाइज पर कंसिडर कर लेते हैं, फादर टोल्ड मी मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर ब्लेस्ड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा फादर ब्लेस्ड मी, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग टू लगा देंगे, फादर ब्लेस्ड मी टू, अब यू आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा फादर ब्लेस्ड मी और इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ टू होगा, टू आई माइट लिव लॉन्ग। आई सेड व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ सेड जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय,
और ये आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो असर्टिव में आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट में चला जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग लगा देंगे यहाँ पर दैट, दैट इट वॉज ए वेरी फाइन प्लेस। तो दिस इज द सिंपल स्टोरी अबाउट हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड ईजली अंडरस्टैंड। इफ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड राइट इन टू द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा होगा या डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ और टिल द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लास्ट डिस्कशन तक आप हमारे साथ रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से देख लीजिए, फादर टोल्ड मी मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पर टू लगा देंगे, ओके और यहाँ पर टोल्ड के जगह ब्लेस्ड हो जाएगा, और आपका सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो यहाँ आई हो जाएगा, मे का पास्ट माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स।